गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस। एज अ गाइडेंस के रूप में आपको आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ओके, फोकस कीजिए आप अपने ऊपर। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करेंगे ताकि मैं आपकी रीडिंग आपके एनर्जी के अनुसार से निकाल पाऊँ। ठीक है, चलिए फोकस कीजिए आप। ओके, फुल फोकस रहना चाहिए आपका अपने ऊपर। ठीक है, आपको किसी और के ऊपर फोकस नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे। वाओ, द लवर्स की एनर्जी, बहुत ही अच्छा सा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। ठीक है, आपके पास माना कि चॉइसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, बट चॉइसेस में इतना कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। ठीक है, मुझे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको जो है ना कमिटमेंट मिल सकता है। आपको जिस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए था या जिस पर्सन के प्रपोज़ल का इंतज़ार था आपको, है ना, तो आपको मिल सकता है उस पर्सन से कमिटमेंट। आपकी लव लाइफ के लिए सबसे पहले आया है यही कार्ड कि आपको प्रपोज़ल मिल सकता है। ठीक, यहाँ के एनर्जी के अनुसार से यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि देखो, डीपली किसी से कनेक्ट भी हो सकते हो। यहाँ की एनर्जी के अनुसार से डीपली किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, डीपली, बहुत बहुत ज़्यादा डीपली मैं देख पा रही हूँ कि आप कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ठीक, नाइट ऑफ गैब्रियल की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है, सेवन ऑफ एरियल, क्वीन ऑफ एरियल। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है कि देखो, कुछ भी करना है, कुछ भी लाइफ में करना है तो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लाइफ में अगर हमें कुछ अचीव करना है ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमें अपने अंदर भरोसा भी रखना होता है, बहुत अपने अंदर जो है विश्वास रखना होता है, बहुत अपने अंदर अपने आप को जीतना पड़ता है, ट्रस्ट रखना पड़ता है। ठीक, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी तो दिखाई दे रही है। यानी कि लव लाइफ के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, है ना, तो लव लाइफ को थोड़ा सा मैं कहूँगी ट्रस्ट रखो, पेशेंस रखो, प्लानिंग करो। प्लान करके ही कुछ आगे बढ़ सकते हो, बिना प्लानिंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि प्लानिंग करके ही आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और आप आगे भी बढ़ोगे प्लानिंग के तहत ही। ठीक, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको अपने रिश्ते में, अपने एनर्जी में आपको थोड़ा सा, है ना, लाइफ में अगर आगे बढ़ोगे तो आपको भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आपकी लाइफ में कोई है जो कि नया आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने लाइफ में किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी नए प्रपोज़ल का वेट कर रहे हैं। प्रपोज़ल मतलब कि आप लोग बिजनेस प्रपोज़ल की मैं बात कर रही हूँ, जॉब प्रपोज़ल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको शांत रखना चाहिए और आपको जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको जो है प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे जाओगे, बहुत ही ज़्यादा आगे जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस सब कुछ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है अभी इस समय, ये टाइम पीरियड इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है टाइम पीरियड, कि इस टाइम पीरियड में जो है आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, तो यही बेस्ट टाइम है। जब आप अपने आप को जान पाओगे, जब आप अचीव कर पाओगे, जब जो है आप बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखोगे, समझोगे, सोचोगे, है ना, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। ठीक है,
मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको देखना होगा, समझना होगा, सोचना होगा कि हाँ, आप देखो, आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, सिर्फ उसका आकर्षण देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना सिर्फ आपको आकर्षित कर रहा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको आकर्षित करता है, ठीक। तो उसके ऊपर जो सिर्फ आकर्षित करता है उसके ऊपर नहीं जाओ, ठीक है। जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल है वो नेचुरल होता है, प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होकर के बहुत सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ब्यूटीफुल हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपके अंदर वो इंटेलिजेंट वाली एनर्जी नहीं रही, यानी कि आप वो इंसान नहीं रहे जो कि आप कहते हैं ना कि दिमाग से नहीं सोचते हो, सिर्फ अपनी खूबसूरती पे और ये वो करते रहते हो, तो ये बंद करो, ठीक है। सिर्फ खूबसूरती से नहीं होता है, दिमाग लगाना पड़ता है लाइफ में जीने के लिए, दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिमाग को लगाना यूज़ करो, ठीक है। आपको पुरानी चीज़ें छोड़नी होंगी, लग्जरियस लाइफ आपकी लाइफ में आ रहा है और उस चीज़ को इंजॉय करने के लिए थोड़ा सा आपका दिमाग लगाना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग आपका इधर उधर भटक गया है तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग को, ठीक है, दिमाग को थोड़ा सा स्थिर करो, और स्थिर करके तब देखो कि आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।